खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे चार ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। चार राशियों की किस्मत 2025 तक बनेगी करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। 26 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही कई राशियों का भाग्य अचानक से बदलने वाला है, तो कई राशि वाले लोगों के जीवन में धन प्राप्ति के महायोग बनने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के इस दुर्लभ योग में क्या क्या आपको उपाय करने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त के दिन मिल रही है। और दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह के महायोग बन रहे हैं जैसे कि द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आपको बता दे, पूरे 300 सालों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव वृषभ राशि में विराजमान है, और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और ये महासंयोग कई राशि वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए 26 अगस्त के बाद से ही अगले 6 महीनों तक आप लोगों पर भगवान लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से कृपा बरसने वाली है। आप अपनी मेहनत से किए गए सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो भी वृषभ राशि के लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनको व्यापार में धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। आप लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मंगल देव का गोचर आप लोगों के धन के भाव में विचरण करने जा रहा है। ऐसे में अगले 6-7 महीनों में आप लोगों को अचानक से धन प्राप्ति होने वाली है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, वो अपने कौशल का लाभ उठाएंगे। आप लोग अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाब बनेंगे। आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। और जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अगर कहीं पर भी कोई पैसा उधार दे रखा हो या आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा है, चाहे आपका व्यापार में दिया गया माल का बिल बकाया चल रहा हो, वो भी दोस्तों अब आपको मिलने लगेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार देखने को रहेगा। दूसरे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में चांदी ही चांदी होने वाली है। लड्डू गोपाल जी आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद टाइम जो है वो काफी पॉजिटिव रहने वाला है। एक तो आपके ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा रहेगी, जिससे आपको अपने करियर और कारोबार दोनों में ही सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो नौकरी में आपका प्रमोशन होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, और साथ ही साल 2024 में ही आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। किसी भी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, और अपने फैमिली यानी कि परिवार जनों की मदद से आप कोई भी बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर पाएंगे। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार बनेगा। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से सिंह राशि वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो भी विद्यार्थी है, शैक्षणिक कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे। आपके मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। आपको संतान की तरफ से भी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके बच्चों का प्रमोशन होने वाला है। या जो कोई भी नवविवाहित दंपति है जिनके हाल ही में शादी हुई है, उनको भगवान लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। और जिनके बेबी कंसे होने में अगर कोई भी दिक्कत या बाधा आ रही थी, संतान में अगर कोई दिक्कत चल रही थी, तो भी दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के बाद इस तरह के महायोग बन रहे हैं कि सिंह राशि वाले लोगों को माता और पिता बनने का सुख मिलेगा। धर्म और कर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका रहन सहन पहले की तुलना में अच्छा होगा। आप अपने घर में कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण संपत्ति की खरीदारी कर पाएंगे। पूरे 300 सालों के बाद सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो जन्माष्टमी के बाद का समय है, वो आपके लिए शुभ साबित होगा। कुल मिलाकर
अगले 6 महीने जो है वो तरक्की के प्रबल योग बनाएंगे। लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से सभी कार्यों में सफलता होगी, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपने लिए 4-व्हीलर गाड़ी या 2-व्हीलर गाड़ी ले पाएंगे? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी जन्माष्टमी का जो पर्व है यह बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आपको पारिवारिक जीवन में सुख और सफलता देखने को मिलेगी। जो भी आपके लंबे समय से परेशानी चल रही थी उससे छुटकारा प्राप्त होगा। भूमि भवन या कोई भी बड़ी संपत्ति आदि खरीदने के लिए यह समय आपके लिए काफी अनुकूल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के बाद आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपको दोस्तों कहीं पर भी किया गया इन्वेस्टमेंट अपार रूप से धन लाभ दिला सकता है। अगले 3-4 वर्षों में कई गुना आपको रिटर्न प्राप्त हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि होगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों पर भी जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद बरसने वाला है। एक तो आप लोगों को आर्थिक रूप से धन लाभ होगा, साथ ही व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में विस्तार होने का योग है। भगवान श्री बाल गोपाल जी की विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आपका सोचा हुआ कार्य सफल बनेगा। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आपके लव मैरिज होने के योग भी बन रहे हैं। आपको अपनों का साथ मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ पॉजिटिव समय बिता पाएंगे या आप अपने घर में कोई भी बड़ी या महत्वपूर्ण कीमती चीज खरीद सकते हैं। जन्माष्टमी के बाद अगले जो 6 महीने हैं यह आप लोगों को संतान प्राप्ति के भी उचित योग बनाएंगे। आप लोगों को माता पिता बनने का सुख मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े 3 विशेष उपाय, जिसको करके आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है आर्थिक संकट धन संबंधी समस्या को दूर करने का।
दोस्तों जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनको जन्माष्टमी पर इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आपको विधि विधान से पूजा करनी है और इसके साथ ही लगातार 21 दिनों तक मोर पंखों को पूजा घर में रखकर उनकी आराधना करें और इसके बाद 21वें दिन उन मोर पंखों को अपने घर में तिजोरी में रख दें या गल्ले दराज में रख दें जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं। ऐसा करने से घर में जुड़ी तमाम तरह की जो आर्थिक समस्याएं है वो दूर होगी, सुख समृद्धि का वास रहेगा और साथ ही धन आगमन का माध्यम भी बनेगा। चलिए अगला उपाय जानते हैं, राहु केतु का दुष्प्रभाव दूर करने का उपाय। दोस्तों अगर आप लगातार मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं या आपकी कुंडली में या राशि में राहु और केतु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आपके कार्य बार बार अटक जाते हैं, नौकरी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है और इसकी वजह कुंडली में अगर राहु केतु का दोष बन रहा है ना, तो इस दोष को दूर करने के लिए जन्माष्टमी के दिन अपने बेडरूम की पश्चिम दिशा में मोर पंख लगा दीजिए। ऐसा करने से इन दोनों क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके अटके हुए या बिगड़े हुए कार्य संपन्न होने लगेंगे। उसके अलावा तीसरा उपाय है वास्तु दोष को दूर करने का उपाय। दोस्तों आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है या अन्य प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती है, इस तरह के घर में रहने वाले लोग अक्सर परेशान ही परेशान रहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए जन्माष्टमी पर अपने घर में मोर पंख लेकर आना है और इसके बाद कान्हा जी के साथ ही मोर पंख की भी पूजा करनी है। उसके बाद इस मोर पंख को अपने घर में पूर्व दिशा में लगा दीजिएगा। ऐसा करने से घर का अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो दूर होगा और भगवान बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।